डियर स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो है चांदनी, लिस्ट नंबर 7, पेज नंबर 43। ओके, आप लोगों से सभी से कहा जाता है कि 2 बजे आप लोगों को ऑनलाइन रहना है, लेकिन कुछ भी भैयाओं का पता नहीं है। एक बार लिंक भेजा, कोई नहीं जुड़ा, दोबारा भेजा तो 3-4 भैया आप लोग जुड़े हुए हैं। वंस अपॉन अ टाइम शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, पहले सबसे पहले चांदनी नाम है। अबू खान केप्ट गोट्स एज पेट्स। तो अबू खान नाम है मेन कैरेक्टर का, केप्ट मीन्स रखता था, पास्ट इंडिफिनिट का है। अबू खान पेट्स गोट्स बकरियां एज पेट्स, पालतू जानवरों के रूप में। अबू खान बकरियां पालतू जानवरों के रूप में रखता था। अब क्लियर आ रही होगी पिक्चर। ही लव्ड हिज गोट्स, वह अपनी बकरियों को प्यार करता था। बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन, लेकिन वे उसे एक एक करके छोड़ देती थी। ही बॉट अ यंग प्रिटी गोट, उसने एक युवा प्यारी बकरी खरीदी थी। एंड कॉल्ड हर चांदनी, और उसने उसको चांदनी कहके पुकारना शुरू किया। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी रहता था इन अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में। एक बार की बात है, अल्मोड़ा में एक बूढ़ा आदमी रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान, ही वॉज नो पॉपुलरली नोन, उसे मशहूरियत के तौर पर जाना जाता था एज अबू खान, अबू खान के रूप में। उसे प्रसिद्धि के तौर पर अबू खान के नाम से जाना जाता था। ही लिव्ड ऑल अलोन, ही लिव्ड, वो रहता था ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला, वो बिल्कुल अकेला रहता था। एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू गोट्स, सिवाय कुछ बकरियों के, सिवाय कुछ बकरियों को छोड़कर के वो अकेला रहता था। विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स, जिन बकरियों को वो हमेशा पालतू जानवरों की तरह रखता था। ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स, ही गेव, वह देता था, पास्ट इंडिफिनिट है भैया, हिज गोट्स अपनी बकरियों को फनी नेम्स, विचित्र नाम। वह अपनी बकरियों को अद्भुत नाम देता था, सच एज कलुआ, जैसे कि कलुआ, मोंगनी, मोंगिया और गुजरी, ये नाम जो थे कलुआ, मोंगिया, गुजरी आदि। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे, ही वुड टेक देम, वह उन्हें ले जाया करता था फॉर ग्रेजिंग, चराने के लिए, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। वह उन्हें चराने के लिए दिन के दौरान ले जाता था। एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वन्स ओन चिल्ड्रेन, और वह उनसे वैसी बातें करता था जैसा कि कोई अपने बच्चों से बातें करता है। एट नाइट, रात को, ही वुड ब्रिंग देम बैक टू द लिटिल हट, रात को वह उन्हें वापस छोटी सी झोपड़ी में लाता था। एंड पुट ए स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट, और हर बकरी के गर्दन के चारों ओर छोटी सी रस्सी डाल देता था, गिरैया डाल देता था। पुअर अबू खान वाज ए लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स, बेचारा अबू खान थोड़ा सा बदकिस्मती आदमी था, अनलकी व्यक्ति था इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स, अपनी बकरियों के मामले में। बेचारा अबू खान अपनी बकरियों के मामले में थोड़ा बदकिस्मती आदमी था। वेरी ऑफन एट नाइट, अक्सर रात को, वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एंड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज, रात को अक्सर उसकी बकरियां जो होती थी वो गिरैया रस्सी खींचा करती थी, और तब तक खींची जाती खींचती रहती थी जब तक कि वह टूट कर स्वतंत्र नहीं हो जाती थी। एंड देन वुड डिसअपीयर इन द हिल्स बिहाइंड, उसके बाद पहाड़ियों पर आइए सर गायब हो जाती थी। गोट्स इन हिली रेंज, पहाड़ी क्षेत्रों में, हैड बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स, पहाड़ी क्षेत्रों में बकरियां पेड़ों से अथवा खंभों से बांधना पसंद नहीं करती हैं, नफरत करती हैं इस चीज़ को। दे लव देयर फ्रीडम, उन्हें उनकी स्वतंत्रता प्रिय है। अबू खान्स गोट वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, हिल ब्रीड माने होता नस्ल, अबू खान की बकरियां जो थी श्रेष्ठतम पहाड़ी नस्ल की बकरियां होती थी। दे टू लव देयर फ्रीडम, उन्हें भी अपनी स्वतंत्रता प्रिय थी। सो व्हेनेवर दे गॉट द चांस, इसलिए जब कभी भी उन्हें अवसर मिलता था, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वॉल्फ हू लिव्ड इन द हिल्स,
जब कभी उनको एक अवसर मिलता था वे भाग ली जाती थी एक पुराने बूढ़े वॉल्फ के द्वारा मारे जाने के लिए जो उन पहाड़ियों पर रहता था, उन हिल्स पर रहता। किसी भैया को कोई प्रॉब्लम यहां तक कुछ पूछना, कोई डाउट है बोले। एनी स्टूडेंट एनी डाउट? अरे रिप्लाई तो करते हैं, ये भैया जो जुड़े हुए हैं वो माइक ऑन करके अपना। समझ में आ रहा है भैया? अच्छा अभी ना भैया आपको समझ में आ रहा ना, तो आगे चल ले। Let us start. देखेंगे whenever, जब कभी भी। whenever means जब कभी भी। वन ऑफ his goats disappeared. ध्यान रखेंगे वन ऑफ द के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन होती है, उसका मतलब होता है उनमें से एक, यानी जो नाउन दी होती है उनमें से एक। तो उसकी जब कभी भी उसकी गो बकरियों में से एक बकरी गायब होती। अबू खान वाज वेरी सैड। बहुत मजा आ रहा है भाई, ज्ञानन जी के सौजन्य से गुड़ मिल रही है भैया, आप लोग भी इंजॉय करिएगा। अबू खान बड़ा दुखी होता था, वेरी सैड मीन्स बहुत दुखी होता था। आप लोग देखते होंगे आपके घर में कोई पेट है, जैसे डॉगी है, हॉर्स है, एलिफेंट है, या कोई और चीज हम पालते हैं, गाय भैंस। अब बेटा इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है। थोड़ा हाथ ढूंढ लो इधर उधर। कुछ क्लियर हुई है आवाज? ओके अबू खान वाज वेरी सैड। अबू खान बहुत दुखी होता था। इको कर रही ना? किसी का माइक्रोफोन तो नहीं खुला? अब तो इको नहीं कर रही। ठीक है बंद कर दीजिए माइक्रोफोन। He did not understand. He means what? Did not understand, सही नहीं समझता था। वह नहीं समझता था why even the juiciest grass, कि सबसे रसीली घास and grains और अनाज that he gave them, जो वह उन्हें देता था, वो नहीं समझ पाता था कि सबसे रसीली घास और सबसे ज्यादा सबसे अच्छे अनाज जो वह उन्हें देता था, and all the love that he showered on them, और वो सारा स्नेह जो उनके ऊपर वो उड़ेल देता था, would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. ये सारी चीजें भी उन बकरियों को सीधे मृत्यु के जबड़े में जाने से नहीं रोक पाती थी। Are these goats mad? क्या ये बकरियां पागल हैं? He wondered. उसे आश्चर्य होता था। उसे आश्चर्य होता था क्या ये बकरियां पागल हैं? और was it their love for freedom? अथवा क्या ये उनका स्वतंत्रता के प्रेम है? बट फ्रीडम मीन स्ट्रगल। लेकिन स्वतंत्रता का आशय क्या होता है? संघर्ष होता है, हार्डशिप कठिनाई होती है, इवन डेथ, यहां तक कि मृत्यु भी होती है। अबू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री। अबू खान जो है ये मिस्ट्री, ये रहस्य नहीं सॉल्व कर सका। वन डे, एक दिन, When his goats had left him, एक दिन अब उसकी बकरियां छोड़ के चली गई। अबू खान said to himself, अबू खान ने खुद से कहा, एक दिन जब उसकी बकरियां चली गई तो अबू खान ने खुद से कहा, No more goats in my house ever again, मेरे घर में अब कोई बकरी और नहीं होगी। देखिए होता क्या, कभी कभी आदमी जब थक जाता है, उदास हो जाता है, तो कहता है अब ये काम नहीं करेंगे, लेकिन क्या होता, फिर भी वो करता।
तो यही बात है, नो मोर गोट्स इन माय हाउस एवर अगेन, मेरे घर कोई बकरी नहीं। आई कैन लिव फॉर इट यू मोर ईयर्स, मैं कुछ और वर्ष जी सकता हूँ, बट आई विल लिव विदाउट गोट्स, लेकिन मैं बगैर बकरियों के रहूंगा। However, खैर the poor old man was terribly lonely. खैर वो बूढ़ा आदमी बहुत ही अकेला था, terribly old, terribly lonely, बेइंतहा अकेला था। He simply couldn't do without his pets. वह सामान्य तरीके से अपने पालतू जानवरों के बगैर कुछ नहीं कर सकता था। Very soon he bought a young goat. Very soon माने शीघ्र ही उसने जो है एक नई बकरी खरीदी, युवा बकरी जिसको जवान बकरी कहते हैं खरीदी। He thought, उसने सोचा, a young goat will stay with me much longer. उसने सोचा एक युवा बकरी, एक जवान बकरी मेरे साथ ज्यादा देर तक रुकेगी। She will soon begin to love me as well as food I give her every day. She will soon begin, जल्दी ही वह शुरू कर देगी to love me, मुझे प्रेम करना। जल्दी ही वो बकरी मुझे स्नेह करना शुरू कर देगी, प्रेम करना शुरू कर देगी, और मेरे भोजन को जो मैं प्रतिदिन देता हूँ उसे पसंद करना शुरू कर देगी। She will never want to go to the hills. वह कभी भी पहाड़ियों पर नहीं जाना पसंद करेगी। एंड ही लाफ विद जॉय, और खुशी से ठाका लगा के हंसने लगा। इस पेज में यहाँ तक जितना हमने भैयाओं पढ़ाया है, पेज नंबर 44, इसमें किसी भैया को समझ में कोई प्रॉब्लम? नहीं, द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी, नई बकरी जो थी वो बड़ी सुंदर थी। सी वॉज व्हाइट एज स्नो, वह वैसी सफेद थी जैसे कि मानो बर्फ। यहाँ पे सिमिली फिग्राफी स्पीच है, वह बर्फ के जैसी सफेद थी। एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, और उसके छोटे से सर पर दो छोटे से सिंग थे। एंड ए पेयर ऑफ ग्लिमरिंग रेड आइज, और एक जोड़ी चमचमाती लाल आंखें थीं। शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परामेंट, टेम्परामेंट मींस द नेचर, उसका बड़ा मित्रवत स्वभाव था। एंड वुड लिसन टू अबू खान्स टेल विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और बड़ी रुचि के साथ वो अबू खान की कहानियां सुना करती थी। आगे देखें, एंड अफेक्शन, वो बड़े ही रुचि और स्नेह से अबू खान की कहानियां सुना करती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान उसको चांदनी कह के पुकारता था, विच मीन्स मूनलाइट। चांदनी को मतलब क्या होता है? मूनलाइट, चांद की रोशनी। अब चांदनी, वो चांदनी से स्नेह करता था, चांदनी को प्यार करता था। एंड वुड नैरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हू वर डेड एंड गॉन, और वह उनसे अपने उन सभी मित्रों की कहानी सुनाता था जो मर गए थे और कहीं चले गए। सेवरल इयर्स पास्ड, कई वर्ष गुजर गए। चांदनी वाज स्टिल देयर, चांदनी भी अब वहां यहाँ थी। अबू खान को भरोसा हो गया दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड, अबू खान को भरोसा हो गया कि चांदनी कभी भी उनके परिसर को नहीं छोड़ेगी। फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, ऊपरे दूर जो पहाड़ियों की ताजी और स्वच्छ हवा है उसके लिए वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। एलास ही बात मिस्टेक के संगेर, अब लेकिन अफसोस क्या था, एलॉस दुख की बात थी कि एक बार पुनः उसका एक गलत निर्णय था, या वह गलती पर। आगे भैयाओं चले या यहाँ तक पूछेंगे, कोई किसी को पूछना? तो चलिए ठीक है, आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
पेज नंबर 46, ऊपर जो भगवा कलर में जो ऊपर लिखे हैं उनको देखेंगे। लाइक अदर गोट्स, अन्य बकरियों की तरह, चांदनी टू मिस्ड द हिल्स, चांदनी भी जो है पहाड़ियों को बहुत मिस करती थी। शी टोल्ड अबू खान, उसने अबू खान को बताया कि मस्ट हैव हर फ्रीडम, उसको अपनी स्वतंत्रता रखनी ही होगी, अर्थात उसे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त ही करनी है। बेस्ट ऑफ द डेजर्ट वॉल्ड इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी, डिस्करेज माने होता हतोत्साहित कर, खतरनाक जंगल के खतरनाक भेड़िए की कहानी भी उसको हतोत्साहित नहीं करती थी, डराती नहीं थी। आगे देखें, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह चांदनी वार्ड द हिल टॉप्स, हर सुबह चांदनी जो थी हिल टॉप्स को देखती थी, पहाड़ी की चोटियों को देखती थी। काहे में बात इन द लाइट, सूरज की धूप में नहाए हुए, हर सुबह चांदनी सूर्य के प्रकाश से नहाई हुई हिल टॉप्स को देखती थी। हाउ ब्यूटीफुल दो हिल्स आर, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर दो हिल्स आर, ये पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां कितनी सुंदर हैं, ये थॉट वो सोचती थी, कि पहाड़ियां कितनी सुंदर हैं। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज, कितनी तरोताजा कर देने वाली ब्रीज मीन्स हवा है, दैट फ्लो थ्रू देम, जो इन पहाड़ियों के से होकर के बहती है, और कितनी तरोताजा कर देने वाली हवा है जो इन पहाड़ियों से होकर के बह रही है। एंड हाउ हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और इन हरे हरे मैदानों के बीच में दौड़ना कितना प्यारा लगेगा। शी रैन टुवर्ड द हिल्स, वह पहाड़ियों की ओर भागी। बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क, लेकिन एक झटके के साथ उसको रखना पड़ा, जर्क में झटका। दरो राउंड हिज नेक, लेकिन उसके गर्दन के चारों ओर जो रस्सी थी, वुड नॉट लेट हर गो एनी फर्दर, उसको उसने आगे जाने नहीं दिया। हाउ शी हेटेड दैट डोर, उसको इस रस्सी से कितनी नफरत थी, माने वह इस रस्सी से बहुत नफरत करती थी। कौन सी रस्सी की बात हो रही भैया, बोलो। वेरी गुड। और ये अतुल भैया, विनायक, नहीं पता, बोलो। जिसको अपनी क्षेत्रीय भाषा में गिरैया बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, बंद कर दे माइक्रोफोन। सी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास, उसने हरी घास खाना बंद कर दिया। कौन अब भैया, कोई जुड़ रहा है? सी स्टॉप ईटिंग द ग्रीन ग्रास, उसने हरी घास बंद कर दिया खाना। अबू खान ब्रॉड फॉर हर, जो अबू खान उसके लिए ले आते थे, अब बकरियों ने अर्थात उसने सी किसको रेफर करा, चांदनी ने उस हरी घास को भी खाना बंद कर दिया जो अबू खान उसके लिए लाता था। Nor did she listen to his stories. कोई बात नहीं है भैया, बता रहे हैं बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, जब जुड़ेंगे। देखिए कहते हैं ना कि जब सब कुछ नष्ट हो रहा हो जो प्राप्त हो रहा हो वही बहुत होता है। आपने प्रयास किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देर से जुड़े लेकिन आप जुड़ तो गए, आप उनसे तो बेहतर हैं जो नहीं जुड़े हैं। मैं आधा घंटे से पूरी क्लास देख रहा हूँ, एक बार लिंक भेजा कोई नहीं जुड़ा, दोबारा ऑडियो भेजा फिर दोबारा जोड़ रहा हूँ। तो कहने का आशा है कि मैं तो अपना टाइम दे रहा हूँ भैया,
और पेपर नया बनने जा रहा है, जो पढ़ेगा उसको समझ में आएगा। हम तो ये कह रहे कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती, आप एक नहीं दो नहीं हजार बार पूछिएगा, लेकिन आधा घंटा तो भैया निकाल लो। नॉट इट सी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट, ना ही वह उसकी कहानियों को ध्यान से सुनती थी इंटरेस्ट एंड अफेक्शन माने स्नेह के साथ, ना तो उसकी कहानी को स्नेह के साथ सुनती थी। थी लॉस्ट हर एपेटाइट, एपेटाइट मींस हंगर, उसने अपनी भूख खो दी। ग्रीव वेरी थिन, बड़ी दुबली पतली हो गई। एंड स्टेयर्ड मूडली एट द हिल्स, और टकटकी लगा करके एक स्नेह भाव से पहाड़ियों को देखा करती थी। व्हाट इन द सनलाइट, जो सूरज की रोशनी में डूबी हुई थी। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनी एंग्विश मींस पीड़ा, अबू खान चांदनी की पीड़ा को नहीं समझ रहा था। अबू खान चांदनी की पीड़ा को नहीं समझ रहा था। एट लास्ट अंत में शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली, फ्रेंकली मींस क्लियरली। अंत में उसने, सी माने बकरी ने, चांदनी ने अंत में क्या है अपनी बात को अबू खान से स्पष्ट रूप से कहने का निश्चय किया। डियर अबू खान, प्रिय अबू खान, सी से उसने कहा, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज, मेहरबानी करके प्लीज मुझे पहाड़ियों पर जाने दीजिएगा। इफ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, अगर मैं तुम्हारे आते में परिसर में रुकी, कंपाउंड में रुकी, आई विल डाई, मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम्स, अब अबू खान को चांदनी की प्रॉब्लम समझ में आएगी। इतने दिन से नहीं समझ में आया, बकरी खा क्यों नहीं रही है, दूध क्या ना घास क्यों नहीं खा रही है, दूध नहीं क्यों नहीं खा रही है आदि। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन इस चीज ने उसको बड़ा उदास कर दिया, दुखी कर दिया। द अर्थन पॉट विच कंटेन चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल डाउन फ्रॉम हिज हैंड, अर्थन पॉट माने नॉट, लकड़ी का बना हुआ बर्तन जो अबू खान अपने हाथ में रोके हुए था, उसके हाथों से गिर गया। एंड ब्रोक इनटू थाउजेंड पीसेस, उसके हजारों टुकड़े हो गए। व्हाई डू यू वांट टू लीव मी, तुम मुझे छोड़ना क्यों चाहती हो भाई, कोई छोड़ के जा रहा तो और दुखी होते पूछते हम लोग, हमें छोड़ना क्यों चाहती हो चांदनी। अबू खान आस्ट, अबू खान ने पूछा, तुम मुझे छोड़ना क्यों चाहती चांदनी। I want to go to the hills, चांदनी answers, चांदनी उत्तर दिया, मैं पहाड़ियों पे जाना चाहती हूँ। Don't you like the food here? क्या आपको यहाँ भोजन मिलता है वो पसंद नहीं है? I will give you tastier food and a much longer road, मैं आपको और ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन दूंगा और इससे बड़ी बस्ती दूंगा। No thank you, let me go to the hills, चांदनी बोला, नहीं धन्यवाद, मुझे पहाड़ी पर जाने दो। Do you realize the risk you are running? क्या तुम वो खतरा जानती हो जिसमें तुम जा रही हो? Your obstinate creature, अरे हठी प्राणी, there is a dangerous wolf in the hills, पहाड़ियों पर एक बड़ा ही खतरनाक भेड़िया है। He will eat you up, वो तुम्हें खा डालेगा। अबू खान did his best। अबू खान ने अपना जो सिस्टम जो था उसको चेतावनी देने के लिए, यानी जो उसको चेतावनी देने के लिए जो उनका श्रेष्ठतम प्रयास था वो क्रिया किया। He will eat you up, वो तुम्हें खा जाएगा। आगे देखिए, चांदनी आंसर्ड, चांदनी उत्तर दिया, गॉड हैज गिवन मी ए पेयर ऑफ हॉर्न्स, भगवान ने मुझे एक जोड़ी सींग दिए हैं। आई विल फाइट द वॉल्फ, मैं उस भेड़िया से लड़ूंगी। तो भैया घंटा लग चुका है, विद्यालय के घंटे के हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं आज, इतना ही ये पहला पार्ट है, ठीक है, बाकी अगला पार्ट कल।